हमारे यहां हिंदी की दुर्दशा हो रही है, लेकिन विदेशों में क्या हो रहा है? टोक्यो विश्वविद्यालय में तो 1906 में ही हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी गई थी। हिंदी की प्रचार प्रसार जितना भी है, हिंदी फिल्मों ने, हिंदी गानों ने बहुत किया और हुआ है, लेकिन आजकल जो लेखक आए हैं कमाल हैं। अरे यार, तुम रोमन में क्यों लिखते हो? यार वो रोमन में लिखने में आसानी होता है, वो अपने को देवनागरी जमता नहीं। हिंदी का खा रहे हैं, हिंदी फिल्म में काम है, हिंदी फिल्मों के लिए लिख रहे हैं और अंग्रेजी में सोच रहे हैं और रोमन में लिख रहे हैं।